हाई एवरी वन वी आर बैक विद अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल बट इफ़ यू आर यू हे आर वेलकम टू माई चैनल आई होप यू आर डूइंग वेल तो आज हम बात करने वाले हैं 101 हंड्रेड वन कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की जो हमें डेली लाइफ में काम पड़ते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे बट कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि इनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है और प्रोनाशिएशन में ये सेम होते हैं तो आज हम देखेंगे कि उनका क्या मतलब है और ये कैसे अलग अलग है इनको आप मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको आगे कोई ना हो बट बिफोर वॉकिंग यू थ्रू द मेन ब्रू दिन जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट अ पब्लिक स्पीकर एंड अ सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टूडे दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इससे पहले और भी वीडियोज बनाई गई है इस टॉपिक पे तो अगर आपने वो विजिट नहीं किए तो इस वीडियो के एंड के बाद उन्हें विजिट करना मत भूलिएगा सो लेट्स किक ऑफ साइट मीन्स सीन व्यू और पिक्चर शी रीगेन साइट इन हर लेफ्ट आई की उसने अपने लेफ्ट आई में साइट रिगेन किया यानी वो देख सकती थी अब अपने लेफ्ट आई से भी

स्टेशनरी विद इन ए मीन्स स्टैंडिंग स्टिल जो की स्टिल हो और मूवमेंट नहीं हो देशनरी बाइक एट द जिम आर डिफिकल्टे आर सो हैवी जो बाइक खड़ी रहती है जिम के पास में उन्हें मूव करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो बहुत हैवी होती है स्टेशनरी मीन्स राइटिंग और अदर ऑफिस मटीरियल्स उसके लिए हम स्टेशनरी वर्ड का यूज करते हैं ही ज अ रेंज ऑफ स्टेशनरी एट हिस्स शॉप क्यों उनके पास एक रेंज ऑफ स्टेशनरी है उनके शॉप पे स्ट्रेट एस टी आर ए आई जी एस टी मीन्स अनबैंडिंग जो एकदम सीधा हो बैंड नहीं हो शी हेज अ लॉन्ग स्ट्रेट हेयर की उसके सीधे और लंबे बाल हैं स्ट्रेट एस टी आर ए आई टी मीन्स नरो और कंफाइनिंग या फिर एक वॉटर वे द कंपनी इज इन डेस्पिरेट फाइनेंशियल स्ट्रेट कि अपने कन्फाइनिंग स्टेट में है डेस्पिरेट फाइनेंशियल कन्फाइनिंग स्टेट में है टॉट मीन्स टू टीच का ये पास्ट फॉर्म होता है कि पढ़ाया हुआ शी टॉट अस सिंगिंग कि उन्होंने हमें सिंगिंग सिखाई टी ए यू टी टॉट मींस टाइट द रोप वॉज ड्रॉन टॉट सेकेंड एलिमेंट कम्पेयर टू जब कंपेरिजन करते हैं तब भी इसका यूज किया जाता है सेकेंड एलिमेंट का जब इंट्रोडक्शन होता है तब भी हम इसका यूज करते हैं आई लाइक केक बेटर देन पाए तो यहाँ कंपेरिजन है केक और पाए का सो आई लाइक केक मोर देन पाए की पाए से ज्यादा मुझे केक पसंद है देन मीन्स एट दैट टाइम या फिर नेक्स्ट टर्न राइट एट द नेक्स्ट स्ट्रीट एंड देन

दे आर के लिए एब्रिविएशन होता है दे आर सो कॉन्ट्रेक्शन फॉर दे आर दे आर गुड पीपल थ्रू मीन्स फिनिश जो कि खत्म हो चुका हो और इन टू एंड आउट ऑफ ही जस्ट वॉक थ्रू द डोर थ्री यू मीन्स फास्ट फॉर्म होता है बेसिकली थ्रो का शी थ्रू दॉल एंड ही कॉट इट की उसने बॉल फेंकी और उसने कैच कर ली थरो थर्स कंप्लीट इट इज क्लियरली अ वेरी थरो कॉन्फ्रेंस की ये एक कॉन्फ्रेंस है टू मीन्स टू वर्ड शी गोज टू स्कूल स्कूल जाती है टू मीन्स ऑल्सो या वेरी जब हमें दिखाना होता है द सुप इज टू हॉट एम्फ करने के लिए जब हम कर रहे हैं यूज टू का या वेरी का तो हम बोल सकते हैं ऐसे द सूप इज टू हॉट टू ड्रिंक टू टी डब्ल्यू ओ टू मीन्स नंबर फॉलोइंग वन की वन के बाद जो नंबर आता है उसे हम टू बोलते हैं शी इज टू ईर्स ओल्डर देन यू की वो दो साल बड़ी है तुमसे ट्रैक मींस कोर्स और रोड वी रन ऑन एन आउटडोर ट्रैक कि हम एक आउटडोर ट्रैक पे या रोड पे भागते हैं रनिंग करते हैं ट्रैक मीन्स पैम्फलेट और प्लॉट ऑफ ग्राउंड द हाउस इज सराउंडेड बाय वास्ट ट्रैक्स ऑफ फूडलैंड वेस्ट मीन्स मिड सेक्शन ऑफ द बॉडी बीच में हमारी जो कमर होती है बेसिकली उसको हम वेस्ट बोलते हैं मिड सेक्शन होता है हमारी बॉडी का ही हैज अ नैरो वेस्ट एंड ब्रॉड शोल्डर की उसकी कमर पतली है और ब्रॉड शोल्डर से चौड़े कंधे हैं वेस्ट डब्ल्यू एस टी means खराब हो जो कि डिस्कार्डेड मटीरियल हो या कचरा हो टू ख़राब आई थिंक ही वेव मीन्स forgo और रिनाउंस द यूनिवर्सिटी वेव द एप्लीकेशन fee फॉर लो इनकम स्टूडेंट कि forgo करती है जाने देती है माफ करती है लो इनकम स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन फीस को wave means flutter and move back and forth waves of warm air washed over us weak w e a k means not strong weak w e a k means not strong her legs felt suddenly weak कि उसे कमजोरी महसूस होने लग गई थी उसके लेग्स में w e a k weak means seven days i worked a lot this week कि मैंने इस वीक बहुत काम किया वेदर डब्ल्यू टी एच ई आर मीन्स क्लाइमेटिक कंडीशन द वेदर टू डे विल बी हॉट एंड ड्राई जैसे वेदर फॉरकास्ट में आता है तो हमें पता चल जाता है कि आज थोड़ी बारिश होने वाली है प्रेसिपिटेशन और रेनी डे और सनी डे तो वैसे ही क्लाइमेटिक कंडीशन को बताना वेदर होता है डब्ल्यू एच ई टी एच ई आर वेदर मीन इफ आई एम नॉट श्योर वेदर टू गेट अ न्यू लैपटॉप की मैं श्योर नहीं हूँ कि नया लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं

फॉर सर्टेन विच ट्रेन टू टेक कौन सी ट्रेन लेनी है मैं कंफर्म नहीं था सर्टेन नहीं थी उस चीज के लिए श्योर नहीं थी विच डब्लू आई टी सी एच मीन सोश चुड़हल जैसा हम हिंदी में बोलते हैं यू आर अट विच द लास्ट वन इज हुसिव फॉर ऑफ हु ऑफ हु के लिए पोजेसिव फॉर्म हुआ यानी किसका हुज बर्थ डे इज इट टूडे की आज किसका बर्थडे है हु ओ पोस्ट ऑफी एस कॉन्ट्रैक्शन फॉर हु इज हु इज के लिए अब्रीविएशन फॉर्म में हम बोल देते हैं तो हु इस बोल देते हैं हु इज द ओनर ऑफ दिस हाउस तो यहाँ पे पोस्ट्रॉफी एस लगा के हु इज द ओनर ऑफ दिस

सो so, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कमेंट करना मत भूलिएगा आई होप यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब एंड आइकन आप प्रेस कर चुके हैं ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में